यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता होगा मैं ब्लॉग भी डालती हूँ अपने चैनल पे, पर आज मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है। मेरी बहन आ गई जयपुर मेरे साथ ब्लॉग में अब, और मेरे फादर, मेरे पापा। अभी हम थोड़े फैमिली को दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आप सभी को। और ये रहे हस्बैंड जी, आगे जा रहे हैं सबसे। हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, आज ही पापा आए हैं तो सोचा घूम फिर लेते हैं सब मिलके। और मेरी मम्मी नहीं आई है, जैसे कि मम्मी के पास मैं खुद जाऊंगी मिलने, तब ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी हम लोग रास्ते में हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा मेरे पापा आए हैं तो, और मेरी सिस्टर को लेके आए हैं, वो यहीं पर रहेगी अब मेरे साथ में। तो अब हमारे ब्लॉग में तीन तीन जने नज़र आएंगे। और मैं अभी रास्ते में बोल रही हूँ, वैसे तो मुझे एक्सपीरियंस है बोलने का। और आगे से हम लोग गाड़ी लेंगे और फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो हमारे ब्लॉग को आप लोग भरपूर प्यार दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी हम खाली पापा को दिखाए हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को, तो मम्मा को भी दिखाएंगे और अपनी वाली सिस्टर को भी दिखाएंगे आप सभी को। और ये वाली सिस्टर मेरी छोटी है तो अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए, मोती डूंगरी जयपुर का जो अच्छा मंदिर है। तो आगे का ब्लॉग वहीं से दिखाते हैं, और बाकी देख सकते हो। तो गाइस जैसे कि हम लोग आ गए हैं मोती डूंगरी, और वहाँ पर आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे, महादेव जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो वही देखेंगे। और लगभग थोड़ा सा दूर में ही है तो पैदल चलना पड़ता है, इतना पीछे है, और देख सकते हो। और आगे का बैकग्राउंड हम लोग आगे चल के दिखाएंगे, तो आगे का भी देख सकते हो आप लोग। ये है गाइस आगे का, और हम अभी आगे जाते हैं और सब दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मंदिर के बाहर हैं अभी, और अभी गुरु जी गए हैं प्रसाद लाने के लिए, उसके बाद हम लोग दर्शन करने जाएंगे। और देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा है। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा इधर गणेश जी का भी बहुत ही बड़ा मूर्ति है, और पीछे ना शिव जी का भी मूर्ति है। तो पहले गणेश जी का दर्शन कर लेते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ा के, और फिर उसके बाद शिव जी का दिखाएंगे। देख सकते हो आप लोग कितना भीड़ हो चुका है इधर। और यहाँ पर है गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, गए हम लोग लाइन में ही खड़े हैं अभी, और मंदिर आ चुके हैं। देख सकते हो आप लोग कितना भीड़ है अभी, हम लोग लाइन में लग चुके हैं, मैं और पापा हैं, और बाकी के ये आगे लग रहे हैं एगेरा एगेरा एगेरा। और अभी हम जा रहे हैं, बहुत ही भीड़ है गाइस, हद से ज़्यादा, उसका खराब होना चाहिए, और ये भी खाकू बज रहा है। पूजा पाठ दर्शन हमारा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, वहाँ पर भी पूजा पाठ कर लेंगे। और मोती डूंगरी का गणेश जी जैसे कि आप सभी को हमने दिखा दिया है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जय गणेश जरूर लिखना। को लग गया है प्यास, अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम लोग भी, और फिर अपने सफर को जारी करते हैं आगे जाने के लिए। और यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो, राजस्थानी ड्रेस मिलता है वो सब आप ले सकते हो। अब यहाँ से सीधे जाएंगे डायरेक्ट शिव जी के मंदिर, तब दर्शन करेंगे। जैसे कि हम लोग मंदिर आ चुके हैं शिव जी का, देख सकते हो कितना वाइट और कितना मस्त लग रहा है, और पीछे का पूरे गार्डन से है, और कितना अच्छा फूल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मौसम भी आज घूमने लायक है, इसीलिए हम लोग आ गए, और मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, बाकी सब अपने अपने लाइफ में बिजी है।
मम्मी का भी कॉल आ गया था मेरे, तो उनसे भी हम बातें कर लिए और फिर मेरा ब्लॉग शूट हो नहीं पाया, थोड़ा सा रह गया था। तो कैसे ब्लॉग और देख सकते हो कितना अच्छा कूल है। अब हम इसमें दर्शन करके और सीधे घर के लिए निकलेंगे कुछ खा पी के। बाकायदा मैं आप सभी को भी दिखा देती हूँ, उस साइड बहुत अंग्रेज लोग फोटो खिंचाते हैं। चलिए देखते हैं कि पता कोई अंग्रेज हमारे साथ फोटो खिंचा ले, है ना। वैसे तो हम इस मंदिर में आ चुके हैं, बहुत ही दूर है गाइस। सोचे पापा और सिस्टर भी आई हुई है तो सबको फिर से घुमा देते, तो फिर से दर्शन के लिए आ गए हैं। बाकी जैसे कि इसमें विष्णु भगवान जी का मूर्ति है, पर कैमरा अलाउड नहीं था इसीलिए फोटो नहीं खींच पाए। बाकी आप सभी को बाहर से दिखा सकती हूँ मैं, ये था। और सब पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे फ़ोन लेके, और मैं इतनी घूमर घूमर कर रही हूँ। बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए एक दो रील्स भी बनाते हैं गाइस। तो चलिए अब जैसे कि हम लोग घर के लिए निकलते हैं, बाकी का घर पे पहुंच जाएंगे तो ब्लॉग को एंड करेंगे। कितना अच्छा है ना गाइस, पूरी जगह वाइट वाइट। आप लोग भी खूबसूरत नजारे का घर बैठे बैठे मजा लीजिए। और अभी हम अंदर जाएंगे, उसके बाद